जय माता। दोस्तों, एक बार एक ऊंची पहाड़ी पे जाने के लिए एक रेस हो रही थी। उस रेस में बहुत से लोग भाग ले रहे थे, तो जो भीड़ खड़ी हुई थी, भीड़ के जो लोग थे वो कहने लगे, ये इम्पोसिबल है, इस ऊंची खड़ी पहाड़ी पर कोई नहीं चढ़ सकता। तो कुछ लोगों ने रेस प्रारंभ होने से पहले ही हार मान ली थी और कुछ लोगों ने उस रेस में आगे बढ़ना प्रारंभ किया। तो लगातार भीड़ ये बोलते जा रही थी कि इस पहाड़ी पे चढ़ना बेवकूफी है, इस पहाड़ी पे चढ़ना इम्पॉसिबल है, यहाँ कोई नहीं चढ़ सकता है, कोई इस पहाड़ी पे विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। तो बहुत से लोगों ने बीच में ही हार मान ली, लेकिन एक व्यक्ति उस ओर निरंतर चलता रहा, तो पहाड़ी की चोटी को देखता और निरंतर उसकी ओर बढ़ता रहा और धीरे धीरे उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उसने उस पहाड़ी की चोटी पे विजय प्राप्त कर ली। जब वो लौटा, जब उसको इनाम दिया जा रहा था, तो उससे पूछा गया कि आपने इस खड़ी पहाड़ी पर कैसे विजय प्राप्त की, इस पे चढ़ना तो इम्पॉसिबल था। तो व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे पाया। तो पीछे से भीड़ में खड़े व्यक्ति ने बोला, आप उससे क्यों पूछ रहे हैं, वो तो सुन ही नहीं सकता है, उसने आपकी बातें सुनी ही नहीं थी। तो दोस्तों, इस बात से हम ये सीख सकते हैं कि अगर आप लोगों की नकारात्मक बातों को सुनेंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, क्योंकि अगर आप लोगों की नकारात्मक बातों को नहीं सुनेंगे और लगातार निरंतर प्रयासरत रहेंगे अपने गोल अपने लक्ष्य के प्रति, तो लक्ष्य आपको जरूर प्राप्त होगा। इसी में एक बार एक गुब्बारे वाले भैया के पास एक छोटा सा बच्चा आता है। गुब्बारे वाले भैया को पूछता है, भैया ये ब्लैक कलर का गुब्बारा उड़ेगा, मैंने आज तक कभी ब्लैक कलर के गुब्बारे को उड़ता हुआ नहीं देखा। तो भैया मुस्कुराते हैं गुब्बारे वाले और उससे कहते हैं, बेटा गुब्बारे अपने रंगों से नहीं उड़ते हैं, गुब्बारे अपने अंदर भरी हुई गैस से उड़ते हैं। तो दोस्तों, हम इस बात से यह सीख सकते हैं कि हम बाहर से दिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो आगे नहीं बढ़ते हैं, वो उनसे नहीं उड़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो स्किल्स हैं, टैलेंट है, मेहनत है, वो हमें आगे लेकर जाती है।